आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निकत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से आइए देखते हैं मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी सर्किट हाउस में आज राज्य महिला आयोग की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बहुत सारी समस्याएं जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनी गई। मौके पर सारे सर्कल अधिकारी जो क्षेत्र अधिकारी होते हैं वो वहाँ उपस्थित थे, और इसी में मैडम ने कॉन्फ्रेंस कर लोगों से कहा कि आज जो छः समस्याएं सुनी गई हैं जिनमें मुख्य रूप से छः पर चिन्हित कर उस पर कार्रवाई का आदेश पारित किया गया है। आज किस तरह की आपने प्रेस वार्ता की है यहाँ पे? जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है मिशन शक्ति के तहत जो भी योजना है उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और हर महिलाओं तक, हर बेटियों तक उसका लाभ पहुंचे, उनको मिले सुविधा, इसका ज़्यादा मतलब प्रसार प्रचार हो और हम लोग भी जाएं जो आयोग की तरफ से भी, और यहाँ पे जो भी समस्या है उसका निस्तारण हुआ है। बैठे किस तरह के मामले आपके सामने आए थे? कुछ जमीन से संबंधित थे, कुछ उत्पीड़न के कुछ। एक ताज़ा मामला है जैतपुर थाने अंतर्गत का, हाँ, सीमा गौर ग्राम से है। उसके मकान में दबंग लोग कब्जा कर लिए हैं और सारा सामान बाहर फेंक दिए हैं। तहसील दिवस पर भी कल वो गई थी महिला, आज भी आई होगी आपके यहाँ संज्ञान में? हाँ, आपकी जानकारी है? संज्ञान में लिया गया है, तो जांच होगा उसके बाद से उनका समस्या जो भी है उसका। कितने कितने फरियादी आए थे आपके यहाँ? छः। असल में वो कोरोना की वजह से ये पहला बैठक था, तो कुछ लोगों को अभी, अब अगले बार से लोग ज़्यादा आएंगे। उसमें किस तरह के मामले थे इसमें? वही घरेलू हिंसा एक था, और एक जमीन का मामला था, ऐसे ही था, बलात्कार का मामला था एक जगह। क्या पिछले सत्र के भी कुछ मामला लंबित रहा है क्या? नहीं, सब क्लियर हो गया है, सबका निस्तारण हो चुका है। एक दो रह गए, कोरोना की वजह से बैठकें नहीं हो रही। हाँ, बैठकों का क्रम किस तरह से चलेगा? और बहुत बढ़िया चलेगा, सभी अधिकारी भी लगे हुए हैं, सब लोग उसको मतलब काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। वही पहले और तीसरे बुधवार को हुई? हाँ, हर पहला बुधवार महीने का, पहला तीसरे बुधवार, हाँ, तीसरे बुधवार नहीं, पहला पड़ेगा, पहला हर महीने के पहले बुधवार। हाँ, पहले बुधवार को पड़ेगा, तीसरे बुधवार को नहीं होगा क्या? तीसरे का किसी और, तीन जिला मिला है मुझे तो उसमें कहीं और। कौन कौन जिले दीदी? मऊ है और महाराजगंज है और ये बनारस। सर दीदी, जिस तरह से मिशन शक्ति के तहत चलाया गया है, क्या उसका कोई प्रभाव देखने को मिला महिलाओं से? हाँ, महिलाएं बहुत जागरूक हैं, अपनी बात कहने में अब डरती नहीं है, और डेस्क का मिशन शक्ति के तहत जो भी डेस्क बना है उसका हेल्प ले रही हैं महिलाएं, और पहले की अपेक्षा आजकल की महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, न कहने की बात है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर व आफियत से हों, आपकी हर सु खुशगवार हो और हर खुशगवार सु का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।